क्या राहुल गांधी अपनी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। चर्चा ये है कि राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में कुल 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, एक तेलंगाना से और दूसरी उत्तर प्रदेश से। इसमें वायनाड कहीं नहीं है। राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड से सांसद हैं और इस सीट को लेकर उनकी संजीदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच राहुल तब अपने संसदीय क्षेत्र गए थे जब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वहां संग्राम मचा हुआ था। तुरंत जानकारी दी गई कि राहुल गांधी को भदोही से सीधे वायनाड तत्काल पहुंचने की जरूरत है, लेकिन अब जहां वायनाड सीट पर सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अब अटकलें तेज हैं कि राहुल गांधी वायनाड की अपनी सीट छोड़कर इस बार साउथ के दूसरे राज्य तेलंगाना से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, वायनाड से सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा सीपीआई के सबसे बड़े नेता और पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी है। ये वही सीपीआई है जिसने पहले भी कांग्रेस को चैलेंज दिया था कि बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी को वायनाड से नहीं उत्तर भारत की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। यहां तक कि सीपीआई ने कांग्रेस से वायनाड सीट छोड़ने को भी कहा था, लेकिन डी राजा ने अपनी पत्नी को उतार कर कांग्रेस को इशारा दिया है कि मुकाबला कड़ा दिया जाएगा। पिछले चुनाव में राहुल गांधी को वायनाड में जोरदार जीत मिली थी। 64% वोट लेकर करीब 4.25 लाख वोटों से राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनीर को हराया था। 2009, 14 और 2019 मतलब लगातार 3 चुनावों से कांग्रेस ही बड़े अंतर से वायनाड की सीट जीत रही है। 2019 के चुनावों में सीपीआई ने वायनाड समेत केरल की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 4 सीटों पर हार हुई थी। तब कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन ने केरल की 20 में से 19 सीटें जीती थी। अकेले कांग्रेस ने 19 में से 15 सीटें केरल से जीती थी, जो पूरे देश में सबसे बड़ा स्कोर था। जहां ऐसी जीत मिली, क्या उस सीट को राहुल छोड़ सकते हैं? क्या राहुल तेलंगाना की कोई सेफ सीट अब खोज रहे हैं? चर्चाएं तो कुछ ऐसी हैं कि राहुल को तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ाने की बात जो है वो कही जा रही है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा खम्मम या भुवनगिरी लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि ये दोनों ही सीटें जो है वो कांग्रेस की सुरक्षित सीटें और ये पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाती है। तेलंगाना 17 लोकसभा सीटों वाला वो राज्य है जहां 2019 के चुनाव में कांग्रेस केवल 3 सीटें जीत सकी थी, जबकि भारतीय राष्ट्र समिति ने 9 और बीजेपी ने 4, वहीं एएमएम ने अपनी पारंपरिक सीट हैदराबाद पर जीत हासिल की थी। दूसरी सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां प्रियंका गांधी के रायबरेली से लड़ने की संभावना ज्यादा है, तो वहीं राहुल गांधी अमेठी से मैदान में एक बार फिर उतर सकते हैं। 2019 के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखकर राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। अमेठी में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। आपको बता दें, अमेठी पारंपरिक रूप से नेहरू गांधी परिवार की सीट रही है और यहां से सिर्फ 2 बार ही नेहरू गांधी परिवार की हार हुई है। राहुल गांधी के स्मृति ईरानी से चुनाव हारने से पहले संजय गांधी आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह से चुनाव हार गए थे। 2004 में राहुल गांधी पहली बार अमेठी सीट से चुनकर ही संसद पहुंचे थे। अगले 2 लोकसभा चुनाव भी उन्होंने इसी सीट से जीते। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।